तो फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिशली है और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे एक बैटरी एनालाइज़र का। ये यूनिटी का UT673A मॉडल का बैटरी टेस्टर है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बैटरी टेस्टर लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा, मतलब यूनिटी का कोई भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो चलें, इससे हम अब एक बैटरी को प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो मैं इस बैटरी को लिए इसको पहले खोल लेता हूँ। ये इसका इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ है, एप्लीकेबल बैटरी 12 वोल्ट चार्जिंग लोड लेड एसिड बैटरी, बैटरी टाइप ऑर्डिनरी लेड एसिड बैटरी, एजीएम फ्लैट प्लेट बैटरी, एजीएम और जेल बैटरी, ईएफबी बैटरी। बैटरी कैपेसिटी 3 टाइम 250 एम्पेयर AH। तो ये फ्रेंड्स, इसके साथ इसका एक वारंटी कार्ड टाइप चीज़ है और ये इसका यूज़र मैनुअल है। ये इसके अंदर रखा होता है, इस पेपर के अंदर यूँ, और बाकी इंस्ट्रक्शन सारे इसके पीछे लिखे होते हैं। यहाँ आप इसको स्टॉप करके इसके सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। इसका जो मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के बैटरी का चार्जिंग टेस्ट कर सकता है, लेकिन जो आपको कैपेसिटी बता सकता है वो सिर्फ 12 वोल्ट बैटरी पर ही बताएगा ये। तो चलें फ्रेंड्स, अब आप शुरू करते हैं इसको। तो लें जी, मैं अब मीटर निकालता हूँ। ये मैंने मीटर निकाल लिया। ये मीटर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। पीछे हाथ डालने के लिए बड़ी प्यारी ऑप्शन दी हुई है उन्होंने। तो ये इसके एलिगेटर क्लिप्स हैं, ये देखें, ये प्लास्टिक के एलिगेटर क्लिप्स हैं और साइडों पे कॉपर के उसके लगे हुए हैं। और इसके अंदर इस तरफ ब्लैक वायर है, इस तरफ ग्रीन वायर, मतलब ये 4 वायर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो लें जी, अभी हम इसके सामने एक लेड एसिड बैटरी रखेंगे। लें जी, ये है लोच की 12 वोल्ट 18 एम्पेयर की लेड एसिड बैटरी। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ड्राई बैटरी है, तो फ्रेंड्स ये ड्राई बैटरी तो है, लेकिन ये नॉर्मल बैटरी की रेटिंग में आएगी हमारी। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये प्लस वाला एलिगेटर प्लस पे लग गया, माइनस वाला एलिगेटर माइनस पे लग गया। तो ले जी, हमारा बैटरी टेस्टर स्टार्ट तो हो गया है। ये जी, ये अभी इसमें ऑप्शंस हैं, बैटरी, क्रैंक, चार्जिंग, डाटा, सेटिंग्स, अबाउट। अबाउट में क्या है? अबाउट में इसका अम्पेयर मीटर का मॉडल, बैटरी टेस्टर का मॉडल और बाकी तमाम चीज़ें। एस्केप करते हैं। सेटिंग, चलें हम शुरू करते हैं बैटरी से। ये देखें जी, नॉर्मल बैटरी, एजीएम बैटरी, ईएफबी बैटरी, जेल बैटरी। तो जेल बैटरी का कल हमने एक और बैटरी एनालाइजर से टेस्ट किया था, लेकिन उसकी इतनी इतनी एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं थी, और जब हमने इससे किया तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हमें, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट दी इस मीटर ने। तो लें जी, ये जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, ये नॉर्मल बैटरी में आएगी। तो नॉर्मल बैटरी में अब हमारा ऑप्शन दे रहा है, वो CCA से शुरू करेंगे। CCA, DIN, DINS, JIS, ENS, IEC, AH। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइप्स हैं, ये हर मुल्क के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड होता है। तो क्योंकि आपको पता है, पाकिस्तान में हम बैटरीज को अम्पेयर की रेटिंग पर ख़रीदते हैं, तो इसको हम AH पे करेंगे, AH पे। तो हमारी 18 एम्पेयर की बैटरी है, तो हम इसको इस बटन से, ये आप देख सकते हैं, बैक कर कर के लेके जाएंगे 20 एम्पेयर पर। मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये बैक जा रहा है। लें जी फ्रेंड्स, हमारी क्योंकि 18 एम्पेयर की बैटरी है, तो हम इसको 18 पर ही सेट करेंगे। मेरा कैमरा बार बार इसको वाइट कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी। चलें जी, अभी हमारा हो गया है सेट, रेटिंग हो गया 18 एम्पेयर। अभी हम इसको इंटर कर देंगे, टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग पे वो कह रहा है, ये SOC जो है, ये है स्टेट ऑफ चार्ज। तो मतलब इसका जो चार्ज है वो 26% इस वक्त बैटरी चार्ज है, और 12.16 वोल्ट इसके अंदर है। और जो लिखा हुआ है SOH, स्टेट ऑफ हेल्थ, बेसिकली ये हेल्थ और चार्ज की अलग अलग लिखने की फॉर्म्स हैं। तो ऊपर वाला जो हमारा हेल्थ है, हमारी बैटरी के वक्त हेल्थ है 28%, और मीटर के ऊपर लिखा भी आ गया रिप्लेस, और यहाँ पे रेड इंडिकेशन ऑन हो गई।
जब बैटरी 50-50 पे होती है तो यहाँ पे येलो इंडिकेशन होती है, और जब हमारी बैटरी ओके होती है मतलब 50 प्लस होती है, 60-70 पे होती है, तो यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन ऑन होती है। तो लें फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं अगर हम आपको किसी और मीटर किसी और टूल्स का रिव्यू करके दिखाएं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।